वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ए जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव की दिव्यांग राजेश्वरी की, जिन्होंने अपने हौसले की उड़ान से जिंदगी के उन पलों को खुशहाल बना लिया जहां वो निराश और हताश हो सकती थी। राजेश्वरी दोनों हाथों और पैरों से दिव्यांग हैं, लेकिन फिर भी राजेश्वरी ने जो कर दिखाया है वो किसी और के बस की बात नहीं। कहते हैं मैदान में हारा हुआ फिर से जीत की उम्मीद कर सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ उम्मीद हार चुका होता है। लेकिन राजेश्वरी ने मन से हार नहीं मानी और जिंदगी से जीत हासिल की है, जहां वो रोज स्कूल जाती हैं, पढ़ती हैं, खेलती हैं और इनके चित्रकारी की कला देखकर तो कोई भी हैरान रह जाए। राजेश्वरी ने हाथों के निष्क्रिय होने के बावजूद पैरों से लिखने का जो अनोखा जादू किया है वो वाकई देखने लायक। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले कोंडा गांव मसूरा की रहने वाली राजेश्वरी पास ही कुगलपारा में संचालित स्कूल में राजेश्वरी 7वीं क्लास की स्टूडेंट है। राजेश्वरी के हाथ मुड़े तो कभी सीधे नहीं हुए, पैर कभी मुड़ते नहीं है। इसके बावजूद पढ़ने की इच्छा शक्ति ने उन्हें स्कूल तक पहुंचा दिया। जो बच्ची खुद से खड़ी भी नहीं हो पाती, स्कूल में बच्चों के साथ खेलना हो चाहे स्कूल के किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा लेना हो, सब में राजेश्वरी शामिल होती है। इनकी जिंदगी में ऊपर वाले ने भले ही सारे रंग न भरे हों, लेकिन राजेश्वरी जब रंगोली में पैरों से रंग भरती हैं तो देखने वाले हैरान रह जाते हैं। राजेश्वरी रोजाना व्हीलचेयर से स्कूल आती जाती हैं, जिन्हें उनके दोस्त साथ लेकर आते हैं, साथ लेकर जाते हैं। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। खैर अब प्रयास ये हो कि राजेश्वरी के प्रतिभा को सरकार के प्रयास से निखारा जाए। न्यूज डेस्क वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।